हेलो फ्रेंड्स, आज फिर दोबारा हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है निफ्टी प्राइवेट बैंक, यानी कि निफ्टी के अंदर जो प्राइवेट बैंक है जो उसके इंडेक्स के बारे में, कि इस इंडेक्स में कितने स्टॉक्स हैं और इनके क्या क्या ट्रेड हैं और क्या क्या वैल्यू के हिसाब से इसका ट्रेड हो रहा है और इंडेक्स का प्राइस क्या चल रहा है अभी, और इसके चार्टिंग के बारे में देखेंगे इसका चार्ट का प्राइस पहले क्या चल रहा था। इसमें देखते हैं आज निफ्टी बैंक प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो अभी जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो अभी आपका है 19,704 का, यानी कि जो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग से 192 पॉइंट नेगेटिव में आज ये प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 19,896 रुपये 15 पैसे थी, जो कि आज इसने लो बनाया है 19,655 रुपीज़ 20 पैसा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग जो इसका जो हाई था आज का 19,915 रुपीज़ 35 पैसा, जो आज की ओपनिंग है इसकी 19,898 रुपीज 45 पैसा है। अगर हम इसके हाई एंड लो के बारे में अगर डिफरेंस देखेंगे आज इसका, तो अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए के आसपास का इसका डिफरेंस है निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर हाई एंड लो के अंदर। अब जो ये चीज देखते हैं, जो इसमें परसेंटेज जो चेंज आएगी इसमें है 0.97% के आसपास ही आज चेंज हुआ है नेगेटिव साइड्स में। अगर वॉल्यूम देखी जाए तो इसका जो इंटरडे जो वॉल्यूम है स्टॉक्स का वो है आपका 7,34,51,761 और जो ट्रेडेड वैल्यू है इसकी 3,406 करोड़ के आसपास की इसकी ट्रेडेड वैल्यू है 3,406 करोड़। अगर 52 वीक हाई लो के बारे में अगर इसके रेट के बारे में देखें तो जो 52 वीक का जो लो है इसका 15,872 है एंड हाई है 21,719। अगर हम प्राइवेट बैंक के अगर इस सेक्टर्स के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 6,000 के आसपास है, जो कि निफ्टी के अंदर इसने जो रिटर्न दी है अभी अगर देखा जाए तो 40% के आसपास की इसने एक साल में रिटर्न दी है हाई एंड लो के बीच के डिफरेंस में, जिसने अगर 15,872 पे लिया हो और 21,000 के आसपास बेचा हो तो इसके बीच में। अगर किसी का अगर रेट अप डाउन होता है तो वो उस चीज के हिसाब से होगा, बट ये एफ एंड ओ में ट्रेड नहीं होता। इसके स्टॉक्स में जो आते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक के, वो स्टॉक्स के बारे में हम स्टडीज करेंगे और इसमें कितने स्टॉक्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो 10 स्टॉक्स होते हैं इसमें, जैसे कि इसमें दिखा रखा है इसमें एक एडवांस है एंड 9 डिक्लाइंस के अंदर है। अभी आपके निफ्टी बैंक के अंदर अभी 10 स्टॉक्स एंड टोटल लगे एक एडवांस में अभी करंट के अंदर एंड 9 डिक्लाइंस के अंदर है। अब आते हैं इसके स्टॉक्स के प्राइस के ऊपर एंड चार्ट्स के ऊपर। जो इसका जो करंट में जो अभी रेट चल रहा है वो जो बताया था अभी आपका ये था इसका। अब जो हम इसके चार्ट के बारे में देखते हैं तो ये 2006 में 1000 के आसपास से इसका स्टार्ट हुआ था रेट, 2006 में ये स्टार्ट हुआ था 1000 रुपीस के आसपास से और करंट में चल रहा है अभी 2000 के आसपास। 2008 में ये गया था कहां तक आपका 4000 तक गया था ये वाला, यानी कि 2 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 times के आसपास इसने रिटर्न दे दी थी और उसके बाद ये रेंज बाउंड के आसपास रहा। फिर इसका जो बुलिश पीरियड स्टार्ट हुआ 2015-16 के आसपास, ये 10,000 के आसपास तक गया, फिर वहां तक भी इसने 4,000 से जो रिटर्न दी है 10,000 के आसपास ऑलमोस्ट काफी डबल रिटर्न देखने को मिली इसके अंदर, डबल से भी ज्यादा। और फिर नेक्स्ट जो इसमें मूवमेंट रही है 2016 टू 2020 के बीच में, जिसने की जो मूवमेंट दी है 18,000 के आसपास निफ्टी प्राइवेट बैंक में, जिसे कि प्राइवेट बैंक होते हैं और निफ्टी बैंक होती है वो दोनों में ही स्टॉक्स कुछ डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। अब जो इसके जो लो बनाया है इसने, इसने इसके बाद जो लो बनाया 8,000 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बी एस साइट्स के अंदर इसका रेट आ गया था। 18,000 का जो प्राइवेट बैंक था कोविड के टाइम में टूट के रेट रहेगा कितना 8,000 के आसपास का विद इन 2 months 3 months के अंदर ही अंदर। और फिर इसके बाद 8,000 का जो प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स था इसने फिर दोबारा अपसाइड्स का मूव दिखाया और फिर दोबारा 18,000 को ब्रेक करके मूव बनाया इसने 20,000 के अप्रोक्सीमेटली, जो करंट में 21,000 के आसपास का हाई बना के अभी 19,704 पे भी ट्रेड कर रहा है। ये था अपना प्राइवेट बैंक निफ्टी का इंडेक्स चार्ट्स के बारे में, जो कि इसका जो बिहेव रहा है साल दर साल 2006 चलने के बाद।
निफ्टी बैंक के अंदर भी ये स्टॉक्स होते हैं कुछ चुनिंदा ये वाले, और सेम इसमें होते हैं। निफ्टी बैंक में 12 स्टॉक्स होते हैं और प्राइवेट बैंक के जो सेक्टर में है इसमें 10 स्टॉक्स होंगे। अब बात करते हैं इसके स्टॉक्स के बारे में, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और उनकी वैल्यू क्या है इस समय। इसमें जो वैल्यू है इनके स्टॉक्स की, निफ्टी प्राइवेट बैंक के जो स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो है आपके, फर्स्ट में है एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर का ही बैंक है। अब इसकी जो रेट है अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है इसका वो है 723.45 रुपीज़, कल की प्राइस से 9.80 रुपीज़ डाउन में है, अभी 0.1 रुपीज़ 34 पैसे डाउन है। और जो इसका जो वॉल्यूम है आपका 89,78,763 का है। अगर वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट की जाए इसकी, आज इंट्राडे में 653 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यू अभी ट्रेड हुई है। अगर बात करें प्रीवियस क्लोजिंग की तो 733 रुपीज का था, जो आज जो इसने इंट्राडे में जो लो बनाया है वो है 721.30 रुपीज़ एंड हाई है 733.30 रुपीज़। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में देखें तो 12 रुपए के आसपास का आज का एक्सिस बैंक का इंट्राडे में डिफरेंस है। अगर 52 हाई लो के बारे में अगर रेट देखा जाए तो 568.40 रुपीज़ का लो है और हाई है इसका 866.9 रुपीज़ का। हाई से लो के प्राइस के बीच में अगर रिटर्न के बारे में अगर बात करें, किसी ने लो पे लेके हाई पे बेचा हो तो उस प्राइस का जो रिटर्न हैगा वो अप्रोक्सीमेटली आपका 300 के आसपास हैगा, जो मोर देन कितने के आसपास हैगा, 50% से ऊपर की जो रिटर्न है इसके अंदर लो के हिसाब से 50% से। नेक्स्ट सिंबल आता है अपना बंधन बैंक। बंधन बैंक का जो अभी, ये भी प्राइवेट बैंक है बंधन बैंक का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है अभी आपका, ये आपका 315.65 रुपीज़ है, जो कि कल के प्राइस से 0.098% के साथ अप है 3 रुपए के आसपास। कल की जो क्लोजिंग थी इसकी 320.16 पैसे थी, जो कि आज उसने इंट्राडे में जो ओपनिंग थी इसकी आज 313.20 पैसा लो बना भी, लो और ओपनिंग दोनों सेम थी और हाई बनाया इसने 318.90 पैसा। इंट्राडे के अगर प्राइस के बारे में लो एंड हाई के बारे में अगर डिफरेंस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 रुपीज के आसपास का इसका आज इंट्राडे का हाई एंड लो का डिफरेंस है। अगर हम टोटल इसका वॉल्यूम के बारे में, स्टॉक्स में वॉल्यूम देखें इंट्राडे का, तो वो है आपका 55,42,409 शेयर्स में इंट्राडे में भी ट्रेड हुआ है। जो इसकी जो ट्रेडिंग वैल्यू है इसकी वो है 175 करोड़ की, और जो अगर हम एक साल के हाई लो के बारे में देखें तो 52 वीक जो लो है इसका 259.25 रुपीज़ है एंड हाई है 430.70 रुपीज़। अगर हम इसमें रिटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो रिटर्न हुई है अप्रोक्सीमेटली 180 रुपीज़ के आसपास की इसकी 52 वीक की रिटर्न है। रुपीज में अगर किसी ने 260 के आसपास का लेके अगर 430 में अगर इसने बेचा हो तो, अगर दोनों के अगर डिफरेंस के बारे में अगर परसेंटेज में अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 80-90% के आसपास का इसका भी रिटर्न है इसके अंदर। बंधन बैंक में अगर किसी ने अगर हाई पे बेचा और लो पे खरीदा हो तो, और अगर बीच में अगर कोई भी डेट होता है तो वो उसके रिटर्न में मैक्सिमम रिटर्न है होता है एक साल के अंदर का। नेक्स्ट आती है अपने पास CUB, जिसका फुल फॉर्म है सिटी यूनियन बैंक, जिसका कि अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 158.90 रुपीज़, जिसकी की प्रीवियस जो क्लोजिंग थी आपकी 161.90 की, कल से डाउन है अभी नेगेटिव साइड्स में 3 रुपीज डाउन है, यानी कि 1.85% के आसपास नेगेटिव है ये वाला भी। अगर हम आज इसके ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो ओपनिंग प्राइस था इसका 162 का, और जो आज ने हाई बनाया है इसका 163 का एंड लो है 158.30 रुपीज़ का। हाई और लो प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली इसमें भी आज 5 रुपए के आसपास की इंट्राडे का अप एंड डाउन के अंदर हाई एंड लो में मूवमेंट हुआ है। भी टोटल जो स्टॉक्स में जो ट्रेडेड क्वांटिटी है इसकी आज इंट्राडे के अंदर ये है 15,93,130 की। अगर हम वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इसका जो वैल्यू हुई है 25.63 करोड़ के आसपास की आज की इसकी इंट्राडे वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है अभी तक ट्रेडेड के अंदर। अगर हम एक साल के हाई लो के बारे में बात करें, 52 वीक जो इसका हाई है 200 एंड 52 वीक लो है 142.55 रुपीज़। अगर ये दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो ये 58 रुपीज के आसपास किया है, जो कि इसकी ऑलमोस्ट 42
50% के आसपास की रिटर्न है इसकी एक साल के अंदर, अगर किसी ने अगर हाई पे लेके लो पे लेके हाई पे बेचा हो तो। और अभी करंटली चल रहा है 160 के आसपास, यानी कि अभी लो के आसपास ही है, और इसकी किसी के पास अभी नेगेटिव रिटर्न भी हो सकती है इसके अंदर, अगर किसी ने अगर होल्ड रखा हुआ है और हाई पे, तो उसके पास नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिलेगी इसकी। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का जो अभी करंट जो प्राइस जो चल रहा है वो है 97 रुपीज 25 पैसा, जो कि इसकी लास्ट जो क्लोजिंग थी, प्रीवियस क्लोजिंग 99 रुपीज 55 पैसे थी। प्रीवियस क्लोजिंग से आज का जो ओपन और हाई है वो दोनों सेम है, 99 रुपीज 75 पैसा है, और जो आज का जो लो है 97 रुपीज 5 पैसे के आसपास। अगर हम इन दोनों के प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करते हैं हाई और लो के बारे में आज इंटरडे में, तो आज इसके 2 रुपये 70 पैसे के आसपास की इसने आज इंटरडे में हाई लो के बीच का डिफरेंस है। अगर किसी ने हाई एंड लो पे अगर हाई पे बेचा हो और लो पे लिया हो, तो अप्रोक्सीमेटली 2 रुपये 70 पैसे एक पे उसके मिल चुके होंगे शॉर्ट्स के अंदर। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो इसमें आज जो इंटरडे वॉल्यूम हुआ है 1,15,86,459 स्टॉक्स का आज इंटरडे में इसका वॉल्यूम है, एंड 113 करोड़ के आसपास का आज का इसका वैल्यू ट्रेड हुई है। अगर एक साल के हाई लो के बारे में अगर बात करें, तो एक साल का जो लो है इसका 5690 है, एंड जो हाई है इसका 107 रुपीज 65 पैसा है। ऑलमोस्ट इसने 50 रुपीज के आसपास का डिफरेंस है इसका एक 52 वीक के अंदर। अगर हम प्राइस रिटर्न के बारे में बात करें, मैक्सिमम रिटर्न जो होती है, मैक्सिमम रिटर्न इसके अंदर 90% के आसपास की रिटर्न देखने को मिली है इस स्टॉक्स के अंदर हाई एंड लो के बीच में, यानी कि बुक चाहे जो मर्जी हो सकता है, बट जो मैक्सिमम जो रिटर्न है कि इसकी हाई एंड लो के डिफरेंस के हिसाब से 90% के आसपास का इसका रेट वॉच करने को मिला है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास HDFC बैंक। इसकी जो वेटेज होती है कब सबसे ज्यादा होती है HDFC बैंक की, HDFC बैंक का अभी जो करंट जो प्राइस चल रहा है 1547 रुपीज 55 पैसे, 1547 रुपए 55 पैसे, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी नेगेटिव में है 9.70% क्या 9.70 रुपीज 0.62% के आसपास। अगर हम इसके प्राइस के बारे में अगर कैलकुलेट करें, जो आज का जो इसका ओपनिंग प्राइस था 1555 का था, एंड जो आज इसने हाई बनाया है 1557 रुपये का हाई बनाया, यानी कि जहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी वहीं के आसपास इसने इसका हाई बनाया, और जो उसने लो बनाया है 1541 रुपीज 60 पैसे का। अगर हम हाई एंड लो के डिफरेंस का देखें, तो आज 16 रुपीज के आसपास का इसका इंटरडे का अप एंड डाउन का मूवमेंट है। अगर हम स्टॉक्स के बारे में अगर प्राइस के बारे में देखें, ट्रेडिंग स्टॉक जो है 41,22,000 स्टॉक्स आज इसमें इंटरडे के अंदर ट्रेड हुए हैं, और वैल्यू ट्रेड हुई है इसकी 638 रुपीज 20 पैसा, यानी कि मैटर करता है कि किसी में कितनी वॉलिटी है और कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है। अगर हम 52 वीक हाई लो के बारे में अगर चेक करते हैं, तो 52 वीक हाई है इसका 1725 का 1725 रुपीज, एंड जो लो है 1342 रुपये 1342 का। अगर दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस किया जाए, तो अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास का इसका रिटर्न देखने को मिलेगा साल के अंदर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास का आएगा। अगर किसी ने 1342 पे लिया हो और 1700 के आसपास निकाला हो, तो 13% के आसपास का इसका रिटर्न देखने को मिला है, 25-30% के आसपास एक साल में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपना ICICI बैंक लिमिटेड। ICICI बैंक लिमिटेड का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, ICICI बैंक लिमिटेड इसका करंट प्राइस है आपका 762 रुपीज 35 पैसा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 10 रुपए 95 पैसे डाउन है 1.42% के आसपास। अगर हम इसकी बात करें आज के इसके ओपनिंग की, 773 रुपीज 30 पैसा कल के प्रीवियस क्लोज के आसपास ही आज इसने ओपनिंग दी थी, एंड लो बनाया था इसने 762 का, एंड हाई बनाया 775 रुपीज 75 पैसे का, जबकि आज ये बीयरिश में ही बंद हुआ है 762 रुपीज 35 पैसे में। और जो हाई लो के अगर डिफरेंस के बारे में अगर बात करें, तो अप्रोक्सीमेटली इसमें जो मूवमेंट आई है वो 13 रुपीज की आज इंटरडे के अंदर मूवमेंट आई है हाई एंड लो के डिफरेंस के बीच में। मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है 13 रुपीज पर स्क्रिप्ट के आसपास का इसमें प्रॉफिट होता है 1 CS के ऊपर। अगर हम इसकी बात करें स्टॉक्स के बारे में, आज जो इसमें ट्रेडेड स्टॉक्स होंगे वो है 1,27,85,837 स्टॉक आज इसके अंदर इंटरडे ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है। ऑलमोस्ट 981 करोड़ के आसपास का इसकी ट्रेडिंग वैल्यू की क्वांटिटी है। अगर हम 52 वीक हाई एंड लो के बारे में अगर रेट देखें, तो 52 वीक जो लो है इसका 465 रुपीज 80 पैसा है, एंड जो हाई है इसका 867 का है। ऑलमोस्ट 300 के आसपास का इसका
52 वीक का हाई लो का डिफरेंस है। अगर प्राइस के रिटर्न के बारे में बात करें, अगर किसी ने 465 को लेके 867 पे अगर बेचा हो तो अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज़ अगर मिले हैं तो अप्रोक्सीमेटली उसको 70-80% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है इस चीज़ के अंदर। अगर नेक्स्ट सिंबल के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट सिंबल है आपका IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक का जो करंट जो रेट चल रहा है वो है आपका 50 रुपीज़ 15 पैसा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 1 रुपीज़ 5 पैसे डाउन है। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी इसकी 51 रुपीज़ 20 पैसे थी, जो कि आपका 2 रुपये 5 पैसे 2 रुपीज़ 5% डाउन है ये वाला। जो आज की जो इसकी ओपनिंग थी वो क्लोजिंग के आसपास ही इसकी ओपनिंग हुई है आज 15 रुपीज़ 25 पैसे, एंड हाई भी सेम वही आसपास ही बनाया है 51 रुपीज़ 35 पैसा, और जो इसका लो है 50 रुपये 10 पैसे, यानी कि आज लो के आसपास ही प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स मोस्टली बंद हुए हैं। अगर ये रेट देखा जाए तो ये जो रेट बनाया है इसने 1 रुपये 25 पैसे की आज इसकी मूवमेंट है इंटरडे में IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर, यानी कि एक सेट के ऊपर 1 रुपये 25 पैसे के आसपास या 2% के आसपास की इंटरडे में हाई एंड लो के अंदर का डिफरेंस था इसमें। अगर हम स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर जो इंटरडे जो शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं आपके वो है 1,01,85,90,575, और जो इसमें ट्रेडिंग वैल्यू है वो है 94 करोड़ के आसपास की। अगर हम इसमें हाई लो के बारे में अगर बात करें तो 52 वीक जो लो है 32 रुपीज़ 90 पैसा है, एंड जो हाई है इसका 39 रुपीज़ 30 पैसा। अगर हम इस दोनों के अगर डिफरेंस के बारे में बात करें तो 37 के आसपास का इसका डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 120% के आसपास का इसका डिफरेंस देखने को मिलता है एक साल के हाई एंड लो के बीच में। अगर किसी ने अगर 32.90 पे लिया और 69 के आसपास का निकाला हो तो मैक्सिमम रिटर्न इसके अंदर 1 ईयर के अंदर देखने को मिली 120% के आसपास की, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर आसपास में जो इन्वेस्टमेंट करता है एक साल या दो साल के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो हम उसी पैरामीटर को लेकर चलते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न कितनी मिल सकती है 1 ईयर के अंदर, या मैक्सिमम लॉसेस कितने हो सकते हैं। अगर किसी ने हाई पे लिया है तो लो और लो पे बेचा है तो हाई। तो सेम थिंक इसके ऊपर भी वो होता है। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास इंडस बैंक। इंडस इंड बैंक का जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है 1020 का है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 21 रुपीज़ 50 पैसा डाउन में है 2% के आसपास। अगर प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी 1041 रुपीज़ 50 पैसे थी, अगर हम इसकी बात करें आज 1042 रुपीज़ की आज इसकी ओपनिंग प्राइस थी, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग की अप्रोक्सीमेटली सेम ही खुले थे ये वाले, बट जो आज इसने लो बनाया है 1018 रुपीज़ 25 पैसे का लो बनाया है, एंड हाई है इसका 1046 रुपीज़ का। अगर हम दोनों के प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 28 रुपीज़ के आसपास का इसका आज इंटरडे का अप एंड डाउन साइड्स में हाई लो के बीच में डिफरेंस है, यानी कि आज इसने अगर एक स्टॉक्स के ऊपर 28 रुपीज़ के आसपास की नेगेटिव या पॉजिटिव रिटर्न दिए, किसने शॉर्ट किया है तो प्रॉफिट एंड बाइंग किया है तो लॉस हाई लो के बीच में। अगर हम आपके इसके स्टॉक्स के बारे में अगर कैलकुलेट करें, आज जो इंटरडे जो वॉल्यूम हुआ है 26,85,826 का हुआ है, और जो वैल्यू जो ट्रेड हुई है इसकी ये ट्रेड हुई है 276.96 करोड़। अगर हम आज के इंटरडे 52 वीक हाई लो के बारे में अगर डिफरेंस देखते हैं तो 52 वीक जो लो है इसका 772 रुपीज़ 25 पैसा है, एंड जो हाई है 1242 का है। अप्रोक्सीमेटली इसमें 500 के आसपास की एक साल में हाई लो का डिफरेंस देखा जा सकता है अगर किसी ने अगर नीचे लिया हो, बट जबकि कोरोना टाइम में 300 रुपये के आसपास तक का रेट भी दिखा के आ चुका है। अगर वैसे देखा जाए तो पहले 1800 से नीचे 1300 तक भी गया था, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देखने को भी मिली थी इसी इसके अंदर, और जो अभी जो करंट जो प्राइस जो चल रहा है इसका 11,000 के आसपास का है और हाई बना गया था 1242 के आसपास का। अगर हम इसके प्राइस के बारे में अगर लो से अगर एक साल की अगर रिटर्न के बारे में बात करें, अगर मैक्सिमम अगर 500 रुपीज़ भी अगर इसके मिले हैं तो ऑलमोस्ट 150% के आसपास की रिटर्न देखने को मिली है इसके अंदर आपको। 300 से भी काफी अगर रुपीस देखने को मिले हैं, 300 का इसका लो था कोरोना टाइम के आसपास। नेक्स्ट सिंबल आता है आपका कोटक बैंक। कोटक बैंक का जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो रेट है 2080 रुपीस, जो प्रीवियस क्लोजिंग से अभी 17 रुपए 30 पैसे बेयरिश साइड्स में है 0.82% के आसपास। जो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी इसकी ये थी 2097 रुपीस 30 पैसा, यानी कि आज ये डाउन में ओपन हुआ था 2099 रुपीज़ 90 पैसे पे, अब बनाया है इसने 2133 रुपीज़ 85 पैसे, एंड लो बनाया है 2070 रुपीज़
अगर दोनों प्राइस के बारे में, अगर डिफरेंस के बारे में देखें तो दोनों प्राइस का जो डिफरेंस है वो है अप्रोक्सीमेटली 23 रुपये के आसपास। अगर हम दोनों प्राइस के बारे में, अगर ट्रेडिंग वैल्यू के बारे में देखते हैं तो इसके जो ट्रेडिंग स्टॉक्स होंगे वो है 15,45,107 के हैं, और जो इसमें जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो है 3,321.66 करोड़ की। और जो 52 वीक हाई एंड लो के डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो 52 वीक जो लो है 1626 का है और जो हाई है 2253 का है। अगर इन दोनों के प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 600 रुपये के आसपास का इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा हाई एंड लो के बीच में, मोर देन 25 to 30% के आसपास का इसका रिटर्न देखने को मिलता है अपने को 1 ईयर के अंदर लो एंड हाई के प्राइस के डिफरेंस के बीच में। नेक्स्ट सिंबल आता है अपने पास आरबीएल बैंक का जो करंट जो प्राइस चल रहा है वो था 207 रुपीज, जो कि अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से फ्लैट के आसपास ही बंद हुआ है, 0.025 पैसे, 0.012% के आसपास ये नेगेटिव में था, 207.25 रुपये की लास्ट क्लोजिंग थी, जबकि इसने आज ओपनिंग बुलिश साइड्स में ओपन हुआ था, 1 रुपये तेज स्टार्ट हुआ था ये वाला 208 रुपये पे, और आज का जो लो है इसका वो है 205.25 रुपये और जो हाई है इसका 212.75 रुपये के आसपास का इसका हाई है। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें तो इसका आज 7 रुपीज़ के आसपास, 7.5 रुपये के आसपास का डिफरेंस हैगा हाई और लो के बीच में इंटरडे के अंदर। अगर अब स्टॉक्स के अगर बारे में अगर देखें तो आज जो इसमें ट्रेडेड वैल्यू है स्टॉक्स की जो वॉल्यूम है वो है आपका 60,21,352 शेयर्स का, और जो इसमें ट्रेडिंग वैल्यू है वो है आपका 125.33 करोड़ की। अगर हम इसमें अगर बात करें स्टॉक्स के 52 वीक हाई लो के बारे में तो इसका जो 52 वीक लो है वो है 155.60 करोड़ और जो हाई है अपना 274.30 पैसा, जो इसका जो लो है आपका वो है आपका 155.60 रुपये और जो हाई है इसका 274.30 पैसा। अगर हम इन दोनों प्राइस के बारे में अगर डिफरेंस करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलता है 120 रुपये के आसपास का इसका डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास की रिटर्न देखने को मिली है लो एंड हाई के बीच में 1 साल के अंदर 52 वीक के अंदर। ये थे प्राइवेट बैंक की स्टोरी जिसमें कि 10 स्टॉक्स आते हैं, इसमें भी इंक्लूड एंड एक्सक्लूड की संभावनाएं काफ़ी देखने को मिलती हैं। जैसे पहले यस बैंक भी प्राइवेट सेक्टर में था तो उसकी भी नेगेटिव रिटर्न हुई तो उसको एग्जिट कर दिया गया था, और देखते हैं कि इस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये बैंक निफ्टी को भी डाइवर्सिफाइड करते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।